मुकेश अंबानी और भूषण कुमार के बाद ये काम करने वाले तीसरे भारतीय बने अजय देवगन। नमस्कार, बॉलीवुड स्टार अजय देवगन इन दिनों अपनी नई कार को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल अजय को महंगी गाड़ियों का काफी शौक है। उनकी गैराज में पहले से ही कई महंगी गाड़ी का कलेक्शन मौजूद है, लेकिन अब उन्होंने देश की सबसे महंगी कार को खरीद कर सबको हैरत में डाल दिया है। हाल ही में उन्होंने रोल्स रॉयस कुलिनान खरीदा है और इस कार को खरीदने वाले वे तीसरे भारतीय बन गए हैं। एक वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के अनुसार अजय देवगन ने बीते कई महीने पहले ये कार बुक कराई थी। कंपनी की वेबसाइट पर इस कार की शोरूम कीमत 6.95 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, लेकिन ये इसके बेस मॉडल की कीमत है। जरूरतों के हिसाब से सुविधा बनाने में ये फिल्म महंगी हो गई है। बता दें कि अजय देवगन से पहले देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी और टी सीरीज कंपनी के मालिक भूषण कुमार भी इस कार को खरीद चुके हैं। वहीं अजय देवगन की बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इतनी महंगी कार खरीदी है। अजय के पास इससे पहले भी कई महंगी और लग्जरी कारें हैं जिसकी कीमत करोड़ों में है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अजय देवगन जल्द ही फिल्म मैदान में दिखाई देंगे, जिसमें वो भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम का रोल निभा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।